दोस्तों, आप सभी को पता है कि Mi A3 में जब से एंड्रॉयड 10 का अपडेट आया है, उसके बाद फिंगरप्रिंट का वर्क करना बंद हो चुका है। फिंगरप्रिंट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। कोई कोई यूजर्स के तो फिंगरप्रिंट गायब ही हो चुके हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आई है, इसके लिए मैं कुछ सॉल्यूशन लेके आया हूँ आपके लिए। मेरे पास है ये Mi A3 डिवाइस, इसमें भी वही प्रॉब्लम है, फिंगरप्रिंट सही तरीके से काम नहीं करता। लेकिन अब आप देख सकते हो, जैसे ही मैं फोन को हाथ में उठा लेता हूँ, तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट का आपको आइकन दिखाई देता है। यहाँ पर टच करने के बाद फोन तुरंत अनलॉक हो जाता है। फिर से आपको दिखा देता हूँ, फोन को मैं कर देता हूँ लॉक, और जैसे ही हम फोन को हाथ में उठाएंगे या हिलाएंगे, तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट का जो आइकन है आपको दिखाई देगा। इसके ऊपर उंगली रखते ही ये अनलॉक हो जाएगा। तो ये मैंने कैसे किया, क्या है ये सॉल्यूशन, यही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये जो ट्रिक है, ये करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक छोटी सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी, जिसका नाम है पिक टू वेक। यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखी है, और इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। ये जो एप्लीकेशन है बहुत ही छोटी सी है, 1 MB से भी कम की एप्लीकेशन है। आप देख सकते हो इस एप्लीकेशन का नाम। ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग मिलेगी, सेटिंग पर जाएंगे और यहाँ पर मॉडिफाई सेंसिटिविटी का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लो, मीडियम और हाई, ये 3 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो सेंसिटिविटी है वो हाई करके रखी है। यहाँ पर मीडियम, लो, ये भी सेंसिटिविटी के ऑप्शन आपको मिलेंगे। मैंने हाई सेंसिटिविटी करके रखी है, यानी जैसे ही आप फोन को हाथ में लेंगे या थोड़ा भी फोन को हिलाएंगे, तो आपको फिंगरप्रिंट का आइकन जो है वो स्क्रीन पर दिख जाएगा। इसे ओके कर देंगे, बाकी से जो सेटिंग्स है उन्हें छेड़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम बैक जाएंगे, मैं फोन को कर रहा हूँ लॉक। जैसे ही फोन को लॉक किया, आप देख सकते हो, अब अगर मैं फोन को थोड़ा भी हिला देता हूँ, तो आप देखिए क्या होगा। अभी फोन हाथ में ही है, अगर मैं हिला दिया, ये देखिए, तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट का जो सेंसर है उसका आइकन दिख गया। यहाँ पर आप उंगली रखकर फोन को अनलॉक कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, काफी अच्छे से वर्क भी कर रही है, और इस एप्लीकेशन को जब से मैंने यूज किया है, फिंगरप्रिंट का प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इस एप्लीकेशन को ऑफ करके क्या प्रॉब्लम आ रही है। इस एप्लीकेशन को यहाँ से डिसेबल कर देंगे और हम बैक चले जाएंगे। इसको मैं कर देता हूँ लॉक, और अब आप देखिए ये जो फिंगरप्रिंट का आइकन है, ये निकल जाने के बाद देखिए ये जो फिंगरप्रिंट है ये वर्क करना बंद कर देता है। अब ये आइकन यहां से निकल गया है। अब आप कितना भी फोन को हिलाओ, आपको यहां पर फिंगरप्रिंट का आइकन दिखाई नहीं देगा, जिसकी वजह से आप फोन को अनलॉक नहीं कर सकते। अब आप देख सकते हो यहां पर फिंगरप्रिंट का आइकन नजर ही नहीं आ रहा है। फोन को कितना भी आप लिफ्ट करो, कुछ भी करो, ये देखिए आइकन नजर नहीं आ रहा है, और यहां से फिंगरप्रिंट अनलॉक नहीं हो रहा है। फिंगरप्रिंट अनलॉक करने के लिए आपको या तो पावर बटन दबाना होगा या स्क्रीन पर 2 बार क्लिक करना होगा, फिर जाके फिंगरप्रिंट का यहाँ पर आइकन आता है और फिर ये जो है फिंगरप्रिंट अनलॉक होता है। तो ये सब झंझट आपको नहीं करनी पड़ेगी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद। इसे इंस्टॉल करने के बाद सिर्फ इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद बैक जाना है, फोन को करना है लॉक। फोन लॉक होने के बाद जैसे ही फोन को आप हिलाएंगे, यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट आइकन नजर आएगा और आपका फोन अनलॉक बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली बार नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।